दोस्तों, अगर आप एक अकाउंटेंट हो और टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का यूज करते हो तो ये आज की क्लास स्पेशल आपके लिए है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में से GSTR 1 को प्रिपेयर करते हैं तो कुछ उस ट्रांजेक्शन हमारी उसमें B2B की रहती है और कुछ ट्रांजेक्शन हमारी B2C की रहती है। लेकिन जब हम GST की एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं और उस वक्त हमारे बुक्स के रिकॉर्ड को, यानी कि पूरे ईयर्स की GSTR 1 को और जो हमने ऑनलाइन अपलोड कर दी है पोर्टल पे GSTR 1 को, तो उसके अंदर B2B के और B2C के रिकॉर्ड के अंदर डिफरेंस आ जाता था। और डिफरेंस आने की सबसे बड़ी वजह यही थी भी जब हमारे पास कोई कस्टमर ऐसा था भी जब हमने उनको पहली बार कोई प्रोडक्ट सेल किया था तो उसके पास GST नंबर नहीं था, यानी कि वो एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति था, तो उसकी ट्रांजेक्शन हमारी B2C के अंदर गई थी। लेकिन उस कस्टमर ने 2 महीने बाद या 6 महीने के बाद में GST नंबर ले लिया और उस GST नंबर को उसने हमारे को प्रोवाइड करवा दिया और उस GST नंबर को हमने उसके लेजर के अंदर अपडेट कर दिया। तो जैसे हम उसको अपडेट कर देते थे लेजर में, मॉडिफाई करके लेजर को, तो ये जो हमारी B2C की जो ट्रांजेक्शन थी वो सारी B2C से में हटके B2B के अंदर आ जाती थी। तो जिसकी वजह से हमारा ऑनलाइन रिकॉर्ड B2B का और B2C के रिकॉर्ड के अंदर डिफरेंस आ जाता था। लेकिन अब जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो नया रिलीज आने वाला है 3.0 का, तो उसके अंदर आपको इस प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी, चाहे हमने GST नंबर कभी भी अपडेट किया हो। तो आपने जब अपडेट किया है तो उसके बाद का रिकॉर्ड ही B2B के अंदर दिखाएगा, उससे पहले का जो रिकॉर्ड आपका B2C के अंदर दिखाएगा। तो यानी कि जब भी हम कोई कस्टमर ने कोई सरेंडर किया हो, चाहे कोई GST नंबर नया लिया हो, तो अब हमारे B2B और B2C के ट्रांजेक्शन के अंदर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि हमारा GSTR 1 है जो बिल्कुल प्रिपेयर रहेगा। तो कौन कौन से अपडेट हुए हैं, इसके अंदर क्या हमें करना पड़ेगा, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप मत करना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप के नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और आज की वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी जरूर करना। तो दोस्तों, GSTR 1 के रिजल्ट को देखने के लिए हमारे पास दोनों टाइप के रिलीज अवेलेबल है। तो ये रिलीज हमारे पास में है 2.1 का, जो अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर लेटेस्ट चल रहा है, और एक हमारे पास है ये रिलीज अल्फा वर्जन जो कि अभी ट्रायल पे चल रहा है 3.0 का। ठीक है, तो दोनों के अंदर हमने क्या कर रखी है, सेम ट्रांजेक्शन कर रखी है। सबसे पहले हम पूरे डाटा को ओपन कर लेते हैं। ये नए वर्जन के अंदर भी मैंने ये 4 सेल इनवॉइस तैयार करे हैं, ठीक है, और पुराने वाले टेली के अंदर भी मैंने ये 6 में 4 इनवॉइस करे हैं। सभी की अमाउंट बराबर है, लेजर भी दोनों का सेम है, सभी के नाम सेम है। तो हम दोनों को एक बार फिलहाल कोई भी चेंज करने से पहले GSTR 1 की रिपोर्ट को चेक करते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले पर, GST रिपोर्ट पर और GSTR 1। तो ये मैंने पूरा डाटा ओपन कर लिया, तो आप देख सकते हो ये 2.1 का रिलीज है और इसके अंदर हमारे सामने दो ट्रांजेक्शन हमारे को दिखाई दे रही है B2B की, और इसके अंदर दो वाउचर आपके B2C की हैं, यानी कि टोटल हमारी 2870 रुपये की सेल है। इनवॉइस को भी हम देख लेते हैं B2B के, तो ये हमारे दो रजिस्टर्ड डीलर हैं, अमन ट्रेडिंग कंपनी और ABC ट्रेडिंग, ठीक है, और ये रजिस्टर्ड है और ये B2C के, ठीक है, दो इनवॉइस हमने इन कस्टमर को सेल कर रखा है। और सेम ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पर भी कर रखी है अल्फा वर्जन में 3.0 के। डिस्प्ले पर हम जाएंगे, GST रिपोर्ट पर जाएंगे और GSTR 1 को ओपन करेंगे, तो आप सेम रिकॉर्ड देख सकते हो, यहाँ पर भी 2870 रुपये की सेल है और यहाँ पर भी B2B के अंदर दो वाउचर और ये B2C के अंदर भी दो वाउचर है, ठीक है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, यहां तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब हम कुछ इसके अंदर चेंजिंग करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं 2.1 के रिलीज पे। हमारे पास 4 कस्टमर है, सबसे पहले डे बुक ओपन करते हैं। इसके अंदर जो अप्रैल मंथ की जो सेल हमारी 1 अप्रैल को, वो रजिस्टर्ड लोगों को है, और उसके बाद में 2 अप्रैल को दोनों कस्टमर हमारे अनरजिस्टर्ड है। अब हम इसमें से किसी एक कस्टमर के GST नंबर को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। अब एक्टिवेट करने से क्या होगा देखते हैं। मान लीजिए इसने GST नंबर ले लिया और हमारे को प्रोवाइड करा दिया,
हमने कमल के नाम को कस्टमर को ले लेते हैं, और फिलहाल अभी मैंने इसको अनरजिस्टर्ड करके रखा हुआ था, ठीक है। और अब मैं इसको करता हूँ रेगुलर। अब रेगुलर कर लिया तो इसको मेरे को जीएसटी नंबर देना पड़ेगा, तो यहां पर हम जीएसटी नंबर डालते हैं। मैंने ये जीएसटी नंबर यहां पर दे दिया और इसको ओके कर दिया। अब इसका इफेक्ट हमारी बुक्स पर क्या, रिटर्न पे क्या पड़ने वाला है देखते हैं, जीएसटी R1 पे। तो देखो जैसे मैंने डाटा अपडेट किया जीएसटी नंबर का, तो वो हमारा B2B के अंदर जो अभी दो इनवॉइस आ रहे थे वो 3 काउंट हो जाएंगे, जबकि इसकी रिटर्न मतलब जब हमने रिटर्न फाइल कर दी थी तो ये हमारा B2C के अंदर इसका रिकॉर्ड गया था। अब इसने 2 महीने बाद 3 महीने बाद जैसे जीएसटी नंबर दिया, हमने इसको रिकॉर्ड चेंज कर दिया, तो B2C की सेल आपकी कम होगी, B2B की ट्रांजेक्शन सेल है जो आपकी बढ़ चुकी है। हालांकि टोटल सेल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन B2C और B2B इन दोनों के आपस के अंदर डिफरेंस है जो आ गया है। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी अकाउंटेंट लोगों के सामने, तो बहुत मुश्किल होती थी डाटा को मैच करने के लिए। लेकिन अब हम चलते हैं नए वाले वर्जन पे, हम सेम ही कस्टमर का जीएसटी नंबर अपडेट करते हैं। यहां पर भी उसी का यहां पर भी सिलेक्ट करूंगा, और इस कस्टमर को मैंने यहां पर भी अनरजिस्टर्ड सिलेक्ट किया हुआ है, तो अब यहां पर मैं इसको करता हूं रेगुलर, और यहां पर इसका जीएसटी नंबर हम डालते हैं। ओके, जैसे हम इसको सेव करेंगे तो ये हमारे से इफेक्टिव डेट जरूर पूछेगा भी इस कस्टमर ने जीएसटी नंबर कब से लिया है, ठीक है। क्योंकि आप ये कह रहे हो भी आपके इस लेजर के अंदर आप कुछ ना कुछ डाटा रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। तो रिवाइज करने के बाद हमारे को यहां पर कुछ डेट पूछेगा भी आपको कौन सी लेनी है, करंट डेट लेनी है कंपनी की, डेट ऑफ लास्ट एंट्री लेनी है, टुडे कंप्यूटर की डेट लेनी है, या फिर टुमारो कंप्यूटर की डेट लेनी है। अगर आपको डेट वैसे डालनी है तो आप न्यू इफेक्टिव डेट भी डाल सकते हो। अब मान लीजिए हमने यहां पर दे दिया भी कस्टमर ने 1 जुलाई से जीएसटी नंबर ले लिया, तो हम यहां पर न्यू इफेक्टिव डेट पे जाएंगे, 1 जुलाई 2022 हमने कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। लेकिन अब हम इसकी जीएसटी R1 को देखते हैं, वन को देखा तो हालांकि हमने जीएसटी नंबर को अपडेट कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे पहले की तरह इसके अंदर भी B2B के अंदर 2 वाउचर है और B2C के अंदर भी 2 वाउचर है, ठीक है। लेकिन अब हम एक ट्रांजेक्शन इस कमल के कस्टमर के अंदर करके देखते हैं, क्योंकि हमने जीएसटी नंबर लिया इसने जुलाई से, हम 1 जून की एंट्री भी करके देखते हैं इसमें सेल वाउचर की, 1/6 को करके देखते हैं। कमल कस्टमर था, आइटम हमारे पास कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हमने इसके अमाउंट एक बार चेंज कर देते हैं, CGST और SGST, एंटर प्रेस किया, सेव किया। अब ये वाउचर हमने 1 जून के अंदर किया हुआ है, और जबकि जीएसटी नंबर 1 जुलाई से था, तो इसकी जीएसटी की रिपोर्ट पर हम चेक करते हैं 1 से लेके और 1/6 तक, ठीक है। अब 1/6, 1/4 से लेके 1/6, तो अभी आप देखोगे भी अभी भी B2B के अंदर 2 ही वाउचर है और B2C के अंदर इसकी क्वांटिटी 3 हो चुकी है। अब 3 पे हम जाके देखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो वो कस्टमर आप देख सकते हो भी 1 सुमित एड्रेस और 2 कमल के इनवॉइस आ रहे हैं, ठीक है। अब हम करते हैं 1 अगस्त के अंदर इस कस्टमर की एंट्री को, वाउचर पे हम जाएंगे, 1 अगस्त को करते हैं, कस्टमर कमल को लेंगे, आइटम 1 और अमाउंट वापस हम एक बार चेंज कर देते हैं, CGST और SGST, एंटर प्रेस करेंगे, सेव कर दिया। अब वापस हम जीएसटी R1 को चेक करते हैं, हमने पूरा डाटा ईयर ओपन कर दिया, तो अब आप देखोगे B2B के अंदर 3 वाउचर अपडेट हो गए, ठीक है ना। अब 3 वाउचर पे हम जाके देखेंगे तो इसके अंदर अब कमल का नाम आपको अब दिखाई देगा, जबकि अभी तक जो हमारा 2.1 का रिलीज था उसके अंदर जैसे ही हमने जीएसटी नंबर को अपडेट किया तो सारी की सारी पूरे साल की ट्रांजेक्शन B2C से हटके B2B के अंदर है जो कन्वर्ट हो रही थी, तो जिसकी वजह से हमारे को बहुत बड़ी दिक्कत होती थी डाटा को एनुअल रिटर्न टाइम के अंदर मैच करते वक्त। तो अब ऐसी दिक्कत आपको आने वाले रिलीज के अंदर नहीं हुई, क्योंकि ये अगर आपको एक कस्टमर ने जीएसटी नंबर लिया है तो जब भी हम नंबर डालेंगे तो इफेक्टिव डेट जरूर पूछेगा कि कब से स्टार्ट करना है। अगर किसी कस्टमर ने सरेंडर किया जीएसटी नंबर को तो उसकी भी इफेक्टिव डेट है जो जरूर पूछेगा। अब मान लीजिए कोई ऐसा कस्टमर है, हम उसको एक बारी चेंज कर देते हैं, जैसा कि ABC ट्रेडिंग है। अब ये अभी तक रेगुलर में था, इसके पास जीएसटी नंबर था, तो हमने इसको अनरजिस्टर्ड कर दिया,
और जीएसटी नंबर इसका हटा दिया, तो जैसे हटाएंगे तो ये इफेक्टिव रेट इसकी भी जरूर पूछेगा। उससे पहले तक की ट्रांजेक्शन थी वो सारी बी टू बी में दिखाएगा, और जो हम इफेक्टिव रेट देंगे और उसके बाद के अंदर हम इसको कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे तो वो हमारा बी टू सी के अंदर इसके ट्रांजेक्शन दिखाएगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है टेली प्राइम के 3.0 के नए रिलीज में। तो ये रिलीज आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और आज की वीडियो कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इसी टाइप की वीडियो लगातार मिलती रहेगी।